नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर घमासान.com इंदौर से। आज हमारे साथ स्टूडियो में नरेश जी मुल्ले मौजूद हैं, जो कि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंदौर के संयोजक हैं। नरेश जी, ये जो डिक्की जिसे आप जुड़े हुए हैं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ढेर सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में हम लोगों ने सुना, ये दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अलग से शुरू करने की क्या नौबत आ गई, क्या इसका विज़न और मिशन है और क्या इसकी हिस्ट्री है, आप थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? इसमें सर ऐसा है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फिक्की है और आपका, आपने जो अभी बताया कि और भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी SC के लिए थोड़ा सा फोकस हमें करना था। और कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फंड्स जो होते हैं वो हमारे अपने लोगों के बीच नहीं पहुँच पाते हैं या वो अवेयर नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए, तो हमने इस अवेयरनेस को एक्सप्लोर देने के लिए दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की शुरुआत जो है वो पुणे से हुई है सर। और इसमें पुणे से मिस्टर मिलिंद कामले जी हैं, जो कि एज ए उसमें इस चीज़ को काफ़ी मतलब इसके इंडस्ट्री के नॉर्म्स को, देन इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है इसको वो एक्सप्लोर वहाँ से देते हैं। अभी 26 मई 2018 भोपाल में नूरे सभा होटल में इसका XCM जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहाँ पे 26 वाला चैप्टर जो है इंदौर लॉन्च किया गया, भी लॉन्च किया गया, जिसमें कि अभी हम लोग जैसे NSIC है उनसे हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं सर, उनकी जो स्कीम्स होती हैं वो हमारे नए एंटरप्रेन्योर को बताते हैं। उसके बाद MSME सेक्टर्स है, MSME में हम लोग काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो कि माइक्रो इंडस्ट्री में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। SIDBI है सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर बैंकिंग सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके गैदरिंग होते हैं तो वहाँ हम लोग जाते हैं, वो लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं। और इन सब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम SC ST न्यू एंटरप्रेन्योर, एक्स बिजनेसमैन और देन अपकमिंग जो अभी कुछ प्लान आउट करते हैं, तो हम उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक एक्सप्लोर देते हैं सर। आज जो CII का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है फॉर SC ST एंटरप्रेन्योर, करेक्ट, जिसमें SC ST के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको जितने भी PSU हैं भारत सरकार के, वहाँ भी ऑलरेडी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है, करेक्ट, 4% जितने भी प्रोक्योरमेंट आएंगे या जितने भी टेंडर निकलेंगे उसमें एज पर रिजर्वेशन SC ST के एंटरप्रेन्योर को भी मौका वहाँ पर मिलता है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जितने भी टेंडर आ रहे हैं उसमें SC ST के एंटरप्रेनर्स को मिल रहा है मौका और वो आगे बढ़ रहे हैं? अभी जो हमें आज यहाँ देखने को मिला है उसमें जो स्टैटिक्स आई है कई डिपार्टमेंट की, जैसे BPCL के जो मिस्टर आडवाणी जी हैं उन्होंने बताया कि जो 4% आपका रिजर्व है उसमें 1.25% ही क्वालिफाई कर पाया है, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो क्रिएट करता है। बट लेकिन कहीं ना कहीं डिक्की उसको कोशिश ये कर रहा है कि हम उसको 4% पूरा फुलफिल करें, उसी के लिए पॉलिसीज हम लोग बना रहे हैं और कहीं हम संतुष्ट भी हैं और कहीं नहीं भी हैं, तो उस पार्ट में बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो उसी को लेके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पॉलिसीज़ हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमारे लोगों को समय समय पर हमें पहुँचाना है, तो वो हम लोग अब उसमें काम करना शुरुआत किया है सर, तो वो देखने को थोड़ा मिला है। SC ST के स्टूडेंट्स को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड होते जा रहे हैं, तो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब में तो अपॉर्चुनिटी इतनी मिल नहीं पा रही है, अब उनके लिए सेकंड ऑप्शन बचता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप को और भी बढ़ावा देने के लिए डिक्की के द्वारा कोई ऐसी पहल की जा रही है जिससे SC ST के जो नए युवा आ रहे हैं और जो नई जनरेशन आ रही है यूथ स्टूडेंट्स वो एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ के अपना स्वयं का बिजनेस स्टेब्लिश कर ले, इस दिशा में कोई पहल? अभी हमने 24th लास्ट मंथ में हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था दिसंबर को होटल कंटीन में, जिसमें IOCL का, BPCL का और HP का, सर तीनों का एक कम्बाइंड एक वैकेंसीज निकला था पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें करीब करीब सर हमारे 50+ जो एजुकेशन करके निकले हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तो वो एज ए वो न्यू एंटरप्रेन्योर थे और उन्होंने उसमें फोकस भी किया और जहाँ वैकेंसीज थी वहाँ पे उन्होंने उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी दिखाया, तो आज वो उसमें वर्किंग कर रहे हैं।
और उनको मैं भी कि अगर वो थोड़ा एफर्ट्स लगाते हैं तो वो पेट्रोल पंप लॉट भी हो जाए। तो हम इस तरीके से IOCL, BPCL और HP का जो प्रोग्राम था, इस तरीके से समय समय क्वार्टरली मंथली प्रोग्राम हम लोग अपने लोगों के बीच में, और ख़ास तौर से जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए हम लोग इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये थे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंदौर संयोजक हमारे बीच में। निश्चिती बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में अब SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप पर ही फोकस करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपना खुद का बिजनेस स्टेबल करके उनको अपनी एक आइडेंटिटी बनाना पड़ेगी। आपने घमासान की टीम को आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।